हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं प्लस टू इकोनॉमिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018-19। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था, स्टेट द रीजन व्हाई टीबीसी कर्व एंड टीसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। वेरी सिंपल आंसर, बिकॉज ऑफ टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ये इस तरह से होते हैं कुछ। ये आपका कब बनेगा, ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज यहाँ से ऐसे करके जाएगी, अपनी टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और यहाँ से इसकी पैरेलल क्या जाएगी, आपकी टोटल कॉस्ट। तो इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, बिल्कुल पैरेलल जाएगी ये बराबर डिस्टेंस में, ठीक है। तो इसके बीच का जो गैप है ये बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए, ये कभी आपस में नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से टीबीसी और टीसी आपस में क्या होती है, पैरेलल, किसकी वजह से, टीएफसी की वजह से। बहुत सिंपल था। इसी में नेक्स्ट में और करके दिया है, स्टेट द रीजन बिहाइंड यू शेप नेचर ऑफ एबीसी कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी क्यों होता है, बहुत सिंपल है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर और फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स जोड़ते जाते हैं तो एमपी पहले इंक्रीज, फिर क्या होता है, डिमिनिश होता है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, जब एमपी इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, जब एमपी डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और यू शेप में बन जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर टू, इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय 45,000, टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है 45,000 से, किस वजह से, गुड एक्स की जो यूनिट है वो 50 से 65 कर दी है, पहले सेल कितनी थी 50, फिर 65 कर दी है, तो आपने 15 यूनिट्स और बेच दिए उसके। तो सबसे पहले तो समझो, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो आपको पैसा आया, एक एडिशनल यूनिट को बेचने से टोटल कॉस्ट में, टोटल रेवेन्यू में जो आपको इंक्रीज आया। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट बेचने से मार्जिनल टोटल रेवेन्यू में आपका कितना इंक्रीज हुआ, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे 15 यूनिट्स बेचने से कितना इंक्रीज आया टोटल में 45 का, तो कितने यूनिट्स बेचे आपने 15 और इंक्रीज कितने का आया 45,000, तो 3,000 आपकी एक यूनिट एडिशनल बेचने की वजह से आपको ये इंक्रीज हो रहा है टोटल रेवेन्यू में। मतलब जब आप एक यूनिट बेचेंगे तो 3,000 टोटल रेवेन्यू में ऐड होगा, फिर दूसरा बेचेंगे 3,000, फिर से वैसे करके 15 यूनिट्स बेचने से आपका 45,000 ऐड हो जाएगा टोटल रेवेन्यू में। फिर उसके बाद अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वुड बी डैश कर्व इफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर इक्वली एफिशिएंट। अगर इक्वली एफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं तो ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। Production possibility curve is that curve which shows the alternative production possibilities of two goods with given technique and factors of production. तो जब equally efficient सिर्फ दो goods की production करते हैं हम, उसकी alternative production possibility को दिखाता है production possibility curve, transformation curve भी बोलते हैं इसको। और इसका जो slope होता है वो MRT या फिर marginal opportunity cost की वजह से होता है। But जब ऐसे दिया होगा economy में equally efficient resources हैं तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, straight line बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट। भाई चार ऑप्शन है, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, लाइसेंस फीस, रेंट ऑफ प्रीमिसेस, वेजेस। तो वेजेस आपका जो है वो क्या है, वेजेस आपका वेरिएबल। फिर उसके बाद आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नहीं, पहले इसके साथ और में ऑप्शन है, इफ टीबीसी एंड टीएफसी आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स। देखो टीबीसी एंड टीएफसी आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स, कितने यूनिट्स 10 यूनिट्स, आपकी ये टीबीसी है और टीएफसी ये है। आपको पता है टीबीसी और टीएफसी को अगर जोड़ दे तो क्या बन जाता है, टीसी। तो 500 प्लस 200 कितना हो गया टीसी आपका 700, और यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए 10 डिवाइड बाय 10, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आई 70, तो इसका कितना होगा आंसर 70। फिर उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। भाई सीधा सीधा समझो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है जिसमें हम फैक्ट की बात करते हैं, नॉर्मेटिव होता है जिसमें ओपिनियन देते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, दैट इज ओपिनियन, फैक्ट नहीं है उसमें। और जो जो एक्सपर्ट राय देते हैं वो इस तरह से देते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, दैट इज ओपिनियन,
बट अगर आपने बोला कि 2% हमने गरीबी खत्म कर दी, तो 2% मीन्स आप फैक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अगर ओपिनियन की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओपिनियन की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इसी के साथ ऑप्शन में व्हाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज डिस्कस, भाई ये तो बहुत सिंपल है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वांट्स कैसी हमारी, अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड वांट्स है, साथ में इन लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस, बहुत सारे यूजेस इसके, तो इसलिए क्या है कि सेंट्रल प्रॉब्लम आपकी राइज होती है। तो आज के लिए हम इस क्वेश्चन पेपर के सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखना, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरूर देखना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।